आज सीएम द्वारा करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया और इसी में जम्मू जिले के एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया लेकिन वो पूरा जो कार्यक्रम रखा गया था वो जम्मू सांसद चिराग पासवान और जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह के बीच अखाड़ा का विषय बन गया आपको बता दें कि शिलान्यास के मौके पर जेडियु सांसद चिराग पासवान जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह इसके अलावा जम्मू विधायिका जो सिंह है वहां पहुंची हुई थी लेकिन कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चिराग पासवान चलते बने और साफ तौर कह दिया कि ये जो योजना है मेडिकल कॉलेज है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई है केंद्र सरकार की योजना है बिहार सरकार सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक भी तस्वीर नहीं है पूरे तरीके से जेडीयू जो है या बिहार सरकार पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है चिराग पासवान ने दावा करते हुए बताया कि जब जेपी नड्डा भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब हमने उनको पत्र लिखा मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैंने कैसे प्रधानमंत्री से मुलाकात की क्या कुछ पत्र में लिखा है उसका क्या रिप्लाई आया है लेकिन जेडियो कोटे से मंत्री जो है क्या उनके पास ऐसा कोई पत्र है इसका दावा करते हुए चिराग पासवान लेकिन साफ कर दिया कि हम श्री नहीं लेना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि इस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो चूंकि बिहार सरकार गवर्निंग बॉडी है लेकिन शिलान्यास होने में दो साल लेट हो गए दो साल पहले ही शिलान्यास होना था अब पता नहीं उसका उद्घाटन कब होगा हो तो साफ तौर पे जम्मू मेडिकल कॉलेज को लेकर बाकायदा पूरा में तब्दील हो गया जहां जम्मू सांसद चिराग पासवान और जीडी कोटे से मंत्री सुमित सिंह आमने सामने दिखे हालांकि आपको बता दें कि जिस जगह पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसको लेकर विवाद रहा है इसको लेकर बाकायदा एक याचिका भी दायर की गई थी और कहा गया था कि जम्मू में एक खैरा प्रखंड के बेला गांव में जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है नक्सली से प्रभावित क्षेत्र है इसके अलावा जिला मुख्यालय से दूर है लेकिन इसके जवाब में बिहार सरकार ने कहा कि चूंकि वो जिला मुख्यालय से दूर है अलग बात है लेकिन ये जिले के बीच भी बीच आता है और इससे कई जिलों को फायदा होगा और जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात है तो बगल में ही जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां पर जो है सशस्त्र सीमा बल का जो है कैंप लगा हुआ है इसलिए इन तमाम मसलों पर उस जगह पर मेडिकल कॉलेज बनने से नहीं रोका जा सकता है और आज बाकायदा शिलान्यास हो गया बता दें कि इक्कीस एकड़ जमीन जो है अधिग्रहित की गई है और लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे मेडिकल कॉलेज का बनना अब तय हो गया है अब देखना दिलचस्प होगा कि, कि कितने कितना जल्द जो है इस मेडिक, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाता है क्योंकि जम्मू जिला जो है अभी भी राज्य के पिछड़े जिलों में से एक में से एक है और देखने वाली बात होगी कब इस पर काम शुरू होता है लेकिन स्वाभाविक तौर पे इस पूरे मसले को लेकर चिराग पासवान और सुमित सिंह के बीच जो है ये पूरा मसला वो अखाड़ में तब्दील हो गया तो सीएम नीतीश ने उन्नीस करोड़ की सात योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में पांच मेडिकल कॉलेज जो है वो बिहार सरकार को दिए थे जिसमें से एक कॉलेज जो है वो जम्मू में बनना है शिलान्यास हुआ है इसके अलावा पटना में ही बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है इसके अलावा सीएम नीतीश ने कहा है कि जो एम्स है उसके लिए उसको बड़ा करने के लिए और जमीन अधिग्रहित अद की जाएगी और जो एम्स में जो लोग दिखाने आते हैं उनके परिजन के रहने के लिए एम्स के सामने भी उनके रहने के लिए एक आवास बनाया जाएगा तो सीएम नीतीश ने साफ कहा कि बिहार सरकार का ध्यान जो है वो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में लगा हुआ है और इसको देखते हुए सात योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, किया है अब देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम शिलान्यास हुए हैं वो कब तक जमीन पर उतर पाता है इस पर हमारी नजर बनी रहेंगी आप देखते रहे जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद